दोस्तों नमस्कार। जिस मोबाइल सेवा से आप बात करना चाहते हैं उसमें अभी इनकमिंग सर्विस उपलब्ध नहीं है। दरअसल शुरुआत इससे इस बात को लेकर, क्योंकि कल से लेकर आज तक लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर लोग सोच क्या रहे हैं, उन बातों को हम चाहते थे आपसे संवाद करना, रूबरू करना, लेकिन लगातार किसी भी फ़ोन पर आप डायल करते हैं जो घाटी के भीतर के टेलीफोन है, एक ही आवाज़ सुनाई देती है। इस मोबाइल में फिलहाल इनकमिंग सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो कोई संवाद दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से जम्मू कश्मीर के भीतर कैसे होगा, ये एक पहला सवाल। और जम्मू कश्मीर के भीतर और ख़ास तौर से घाटी के इलाके में आपस में संवाद कैसे होगा, यह भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के हालात मौजूदा वक्त में धारा 144 के तहत सिर्फ और सिर्फ फौजी कदमताल आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं। बड़ी तादाद में सेना की मौजूदगी है, जिस बात का एहसास कराती है कि सरकार दिल्ली में बैठकर चिंतित है कि वहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और शायद इसीलिए एक पूरी प्रक्रिया 10 दिनों के भीतर अपनाई गई, लाई गई। लेकिन इस 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसके बाद धारा 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर राज्य का दर्जा हटा लिया गया। हम जब दिल्ली में बैठे हैं तो इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि यहां बारिश हो रही है, और बारिश से बचने के लिए हमारे पास एक छाता भी है। चलिए, हमने छाता भी तान लिया, हम बारिश से बच सकते हैं। लेकिन इस 10 दिनों के भीतर, बीते दस दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के भीतर जो उथल पुथल है उसके कई पैमाने हैं। जरा आइए इसको समझने की पहले कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि कोई संवाद, कोई भरोसा उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए धारा 370 खत्म की गई, इस बात को कहते हुए कि वहाँ के लोग बेहद तकलीफ में हैं, उनसे कोई संवाद नहीं बनाया गया। और ये सच भी है कि जम्मू कश्मीर के भीतर के हालात बीते 70 बरस से और ख़ास तौर से 1989 के बाद से जिस तरीके से रहे हैं, उसमें कोई निर्णय तो सरकार को लेना चाहिए, और सरकार ने निर्णय ले भी लिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, उसके दो पैमाने हैं। पहला पैमाना तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर के, कश्मीर की जो सीमा है, एक तरफ चीन से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। और अभी तक ये माना जाता था कि उस पूरे इलाके को लेकर जो बहस अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती थी, उसमें जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बहस होती थी। अब जब वो केंद्र शासित राज्य के तौर पर हैं, तो अब भारत सीधे सीधे उस सीमा तक पहुंच चुका है जिस सीमा पर सामने चीन होगा या पाकिस्तान होगा। यानी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी तरीके से आती है, तो यह स्थिति कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर जम्मू कश्मीर को अब बीच में नहीं रखेगी, बल्कि सीधे दिल्ली वहां पर मौजूद होगा। पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति हर जहन में ये होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जो बीते 10 दिनों में ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और राज्य का दर्जा खत्म किए जाने की दिशा में सत्ता और सरकार बढ़ गई। हमें लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं है जिस रूप में समझा जाए कि देश के गृहमंत्री अमित शाह हो गए, उन्होंने निर्णय लिया कि एक मिशन कश्मीर के तहत अभी तक जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी उसे बदलना जरूरी है और एक निर्णायक तौर पर निर्णय लेने की जरूरत है। चाहे इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को साथ में समझने की कोशिश कीजिए, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की भी चीज होती है। और ध्यान दीजिए तो 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद और उसके बाद जब पहला बजट रखा गया, तो भारतीय शेयर बाजार 40,000 से झटके में धीरे धीरे 3,000 कम हुआ और फिर 36,000 पर आ गया। बजट के साथ जिस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जिक्र था कि भारत की इकोनॉमी उतनी बड़ी होगी और मौजूदा वक्त में वो दुनिया के 5वें नंबर पर है, लेकिन इन सब के बीच में उस समय 3 ट्रिलियन का जिक्र हो रहा था, जो घटते घटते 2.6 ट्रिलियन पर आ गया है। यानी भारत दुनिया की रैंकिंग में 5 से नीचे आकर 7वें पर आ गया है। इसी इकोनॉमी के साए में जरा परखने शुरू कीजिएगा तो 2019 के चुनाव से एन पहले कांग्रेस, जिस समाजवाद और वामपंथ के मिश्रण को अपने साथ लेकर चल रही थी, आर्थिक तौर पर खुद को कॉरपोरेट से अलग करते हुए उन इश्यूज को उठा रही थी जिन इश्यूज के जरिए इस देश में इस बात की चर्चा होती कि कांग्रेस अब गरीब गुरबो या ग्रामीण भारत को देखना चाहती है। और इसी पीरियड में लगातार मोदी सत्ता कॉरपोरेट प्रेम के हिसाब से चल भी रही थी, और कॉरपोरेट प्रेम धीरे धीरे सेलेक्टिव भी हो गया, यह भी हर कोई जानता है। इसलिए अगर बीते 10 दिनों में देखेंगे तो CCD के चेयरमैन या प्रेसिडेंट सिद्धार्थ की खुदकुशी, राहुल बजाज का कहना
पाई समेत लगभग एक दर्जन कॉरपोरेट ने जिस तरीके से आवाज निकाली और इस बात का जिक्र किया कि भारत की इकोनॉमी के भीतर संकट है और मंदी का दौर बड़े भयानक तरीके से शुरू हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्थिति बीजेपी सत्ता के भीतर भी आई कि अगर अपनी इकोनॉमी को उसने चेंज नहीं किया तो फिर उसके सामने मुश्किल होगी, क्योंकि पारंपरिक तौर पर बीजेपी के साथ कॉरपोरेट और जो व्यापारी तबका है, बिजनेसमैन का तबका है, वो साथ खड़ा रहा है, लेकिन सरकार की इकोनॉमी डामाडोल है। सरकार पैसा रिजर्व बैंक से ले रही है, रिजर्व बैंक पैसा देने से इनकार करता है, तो एक वक्त में उर्जित पटेल छोड़ते हैं, दूसरी वक्त में वहाँ के बोर्ड के दो मेंबर जिसमें भल्ला भी हैं और एक अनीता नाम की महिला भी है वह भी छोड़ती है, फिर बाद में डाटा सामने न आए इसके लिए अरविंद सुब्रमण्यम छोड़ते हैं। ये एक हिस्सा है, और दूसरा बड़ा हिस्सा ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को महसूस करने की स्थिति में सरकार आ गई कि अब वह ग्रामीण इलाकों की तरफ नहीं देखेगी, जिसका वादा उसने किया है, चाहे वो 2022 तक हर किसी को घर दे दे, चाहे पैसा पहुंच जाए जनधन के माध्यम से, या जो इकोनॉमी का पूरा ढांचा है उस इकोनॉमी में उसकी बात उस नीचे तबके तक नहीं पहुँच पा रही है या वो मुश्किल में है, तो दो तरफा लड़ाई सरकार कैसे लड़े। एक तरफ कॉरपोरेट के भीतर का गुस्सा और दूसरी तरफ, या उसके भीतर का गुस्सा ना कहें बल्कि उसका दुख दर्द कहें, उसे लगता था कि सरकार उसके साथ खड़ी है जहां पर उसकी मुश्किल हो रही थी। और दूसरी स्थिति यह थी कि ग्रामीण भारत के भीतर अब जो परिस्थिति धीरे धीरे पनप रही है वह 2019 के बाद की स्थिति है। तो क्या ये पहले राउंड में माना जाए कि आर्थिक स्थितियाँ देश की इतनी विकट हो गई कि सरकार को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और ऐसी स्थिति में अक्सर ये होता है कि किसी छोटे संकट से निपटने के लिए, या संकट बड़ा भी हो तो उससे भी बड़ी परिस्थितियों की लकीर खींच दी जाए। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल किया गया उसमें अब दो तीन बातें खुले तौर पर सामने हैं। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी सिर्फ निशाने पर नहीं आई, सिर्फ विक्टिम नहीं हुई, बल्कि एक नाटकीयतापूर्ण परिस्थिति जो 1989 में कश्मीर के भीतर के लोकतंत्र को लेकर दिल्ली की सत्ता खेल करती थी, या फिर 50 या 60 के दशक में जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू काल से लेकर इंदिरा काल तक के बीच में सहम सहम कर चला जाता था, अब वो स्थिति बदल चुकी है। हमें लगता है बारिश इस बीच में थोड़ी कम हो गई है, इस छतरी को हटाते हैं जिससे एक संवाद आपसे बेहतर तरीके से कायम हो पाए, बरसात होगी तो ढक लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस तरह की छतरी अब धीरे धीरे गायब हो चली है, जो है सो खुले तौर पर कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति में क्या लोग आएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्थिति हमने जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले लोकतंत्र को लेकर एक सहज तरीके से इस बात का अंदेशा जताया जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो सोच है उसको भी एक तरजीह दी जाती है, जिसका जिक्र 1948-49 में किया गया था। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति क्या है, सरकार सीधा मैसेज दे रही है आपको खौफजदा होकर रहना पड़ेगा, पहला राउंड। दूसरी स्थिति कश्मीर के भीतर की स्थिति, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर पहचान थी, और इसका जिक्र कई बार डॉक्यूमेंट के जरिए बीजेपी के डॉक्यूमेंट में, संघ के डॉक्यूमेंट में कई बार हुआ है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को तो आप बदल नहीं सकते हैं। हालांकि अब चुनावी तौर पर परिसीमन किया जाएगा और जम्मू का वर्धस्त ज़्यादा रहे, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद विधानसभा की मौजूदगी रहे और जम्मू से ज़्यादा लोग चुनकर आए, इसकी व्यवस्था एक होगी। करगिल का हिस्सा लद्दाख में मिलाया जा चुका है, तो कश्मीर के भीतर की स्थिति विधानसभा के भीतर कमजोर रहेगी और उन सब के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, एक ये स्थिति है। लेकिन मैसेज क्या है, बहुत सीधा, यानी हमने निर्णय लिया और हम इस निर्णय पर अडिग हैं और इस निर्णय के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर को हम देखना चाहते हैं। कोई भी कह सकता है कि चुनी हुई सरकार दिल्ली में बैठी और संसद के भीतर उसमें ताकत है तो फिर वह चीज़ों इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी चीज़ों को लागू कर सकती है, इसमें किसने रोका है। लेकिन इसके अगला सवाल ये होता है, क्या उसके बाद की परिस्थितियां जो डेवलप हो रही या होने की स्थिति में बढ़ रही है उसको आप समझ पा रहे हैं। कश्मीरी पंडित 1989-90 में, यानी 30 साल से उन्होंने जो पलायन हुआ उसके बाद उन्होंने जो दुख दर्द भोगा है, उस बीच में वाजपेयी सरकार भी आई थी और 2014 से 2019 तक मोदी गवर्नमेंट भी थी और कश्मीरी पंडितों के भीतर एक आक्रोश था। नया सवाल यह है, क्या अब उनकी वापसी होगी।
दूसरी स्थिति यह है कि जब जम्मू कश्मीर में आप देश के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति जाकर बस सकता है, रह सकता है, जमीन खरीद सकता है, उसको भी नागरिक की तरह वहां रहने बसने का अधिकार है, तो क्या अब वहां पर डल लेक के किनारे बड़े कॉरपोरेट घराने कैपिटलिस्ट वहां पर पैसा लगाएंगे, जमीन खरीदेंगे, औने पौने भाव में उन्हें मिल जाएगी? मुश्किल सवाल है, क्योंकि व्यापारियों और कॉरपोरेट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो कबूतर की तरह होते हैं। एक कबूतर जब जाकर बैठता है तभी धीरे धीरे एक एक कबूतर आता है, और अगर कोई हादसा होता है या एक पत्थर भी फेंका जाता है तो एक कबूतर जब उड़ता है तो सारे कबूतर उड़ जाते हैं, और कॉरपोरेट की स्थिति कमोवेश यही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह स्थिति है। दूसरी स्थिति है, भारत की इकोनॉमी जब डामाडोल है तो ऐसे में कोई भी संकट काल में, आर्थिक तौर के संकट काल में जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेट पूंजीपति बड़े बिल्डर हमें लगता है नहीं जाना चाहेंगे। अब सवाल है वहां पर कौन जाएंगे? बहुसंख्यक तबका मुस्लिम है, वो स्थिति अब धीरे धीरे खत्म होगी। वहां पर हिंदूवादी ताकतें वहां पर मौजूद होंगी, हिंदू लोग वहां पर जाएंगे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, स्टेट वहां पर सहूलियत देने की स्थिति में आया होगा। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल साहब को वहां भेजा जा चुका है, जिससे स्टेट इस रूप में काम करना शुरू करे कि अगर आने वाले वक्त में देश के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स वहां जाता है तो उसको सुविधापूर्वक सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। इसके पैरेलल में आपके भीतर एक दूसरा सवाल होना चाहिए कि जिस दौर में भारत के भीतर तीन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या हाशिए पर है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सत्ता ने कब्जा कर लिया और संवैधानिक संस्थाएं भी सरकार का हिस्सा होकर काम कर रही है, और तीसरी स्थिति है कि माइनॉरिटीज़ की स्थिति इस देश में इस तरीके से क्यों बना दी गई कि उनकी कोई हैसियत राजनीतिक तौर पर ना रहे, और इसको अगर बड़े व्यापक कैनवास में आप अगर देखना चाहें तो इस रूप में समझ सकते हैं कि आपको रहना है तो एक नागरिक होकर ही रहना है, विशेषाधिकार की मांग बिल्कुल नहीं, यानी कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। कांग्रेस पर यह आरोप तुष्टिकरण का लगता था कि वह अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय को तुष्टिकरण की नीति के तहत कहीं ना कहीं लाभ देती और वोट बैंक होता है। 2014 और 2019 ने इस मिथ को तोड़ दिया कि इस देश में मुस्लिम कोई वोट बैंक है जो सत्ता को जिता सकता है या ला सकता है या बदल सकता है, अब नहीं है। यहां से अगला सवाल यह हुआ कि अगर जम्मू कश्मीर के भीतर बड़ी तादाद में हिंदूवादी लोग वहां पर जाएंगे तो एक संतुलन, एक ऐसी स्थिति आएगी जो देश के दूसरे किसी भी हिस्से में है। तीसरी स्थिति यहां से शुरू होती है, तो विकास का मतलब क्या होगा और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा और संविधान से मिले अधिकारों के हक का मतलब क्या होगा? क्योंकि क्या जम्मू कश्मीर के भीतर रहने वाला कोई मुसलमान अगर देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसता है तो क्या उसे उसी सामान्य नागरिक के तौर पर जगह मिल जाएगी? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ इलाके दक्षिण भारत के तकरीबन 240 छात्र लौट गए पढ़ते हुए, जो पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की या कोई प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे थे, इस दौर में जिस दौर में इस बात का जिक्र था हम कश्मीर को ठीक करना चाहते हैं, वो बच्चे वापस लौट गए। राजस्थान से निकला हुआ बच्चा वहां जाकर बंदूक भी उठा लेता, अब ये नहीं उठेगा, 370 खत्म हो गया, वहां पर एक केंद्र के निर्देश के हिसाब से चलने वाली सरकार होगी, हम आशा करें, उम्मीद करें ऐसा होगा, होना चाहिए। अगली स्थिति है कि लगातार उस फेरिस्त को जहां वहां टेररिज्म की स्थिति को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पिछले 5 बरस के दौर में दो चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक तरफ कश्मीर के भीतर कश्मीरियों को उस दीवाल की तरफ ढकेला जा रहा था जिसके पीछे जाने का रास्ता नहीं था और आगे बंदूक थी। बड़ी तादाद में जो आतंकवादी बन रहे थे उनकी मारे गए, और सबसे बड़ी दौर में इस दौर में मारे गए लोगों की तादाद इसी दौर में है जो पिछले 4-5 बरस में आती है। वो आतंकवादी थे, मारे गए, बंदूक क्यों उठाई ये सवाल है, नहीं उठाना चाहिए था। अगला सवाल था कि देश के भीतर बेरोजगारी का संकट, रोजगार है नहीं, तो जो लोग डिग्री लिए हुए थे उनके पास काम नहीं था, उनके पास कोई स्पेस नहीं था, वह भी उस दिशा में जा रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सरलीकृत हैं, इसे सरल तरीके से मत समझिए, इसको इस रूप में समझिए कि हम एक अगर वाकई भारत को एक आइडियल स्टेट के तौर पर अब देखना शुरू करें जिसमें हम मान कर चलें, हम किसी तरीके से कोई शक शुभा ना रखें और ये मान कर चलें कि अब सरकार की नीतियां जो हैं वह नीतियों के आश्रय भारत एक अखंड परिस्थिति के साथ, संवैधानिक हक के साथ, हर नागरिक को एक बराबरी के हक के साथ जीने का अधिकार मिल जाएगा, तो अगर
370 और जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित लागू होने से पहले की परिस्थिति में भी आ जाएं, तो इस देश के भीतर दलित और मुसलमानों को लेकर जिनकी संख्या तकरीबन 37 करोड़ है, कुछ सवाल आपके जहन में होंगे। चाहे वो लिंचिंग को लेकर हों, चाहे दलितों के साथ जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, सड़कों पर मारपीट की जा रही है, उन तस्वीरों के आश्रय आए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दलितों के साथ क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे मुस्लिमों के साथ क्या हुआ, अब इसके अक्स में ज़रा परखने की कोशिश करें, क्या हम लोग एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं? यानी जिस बात की परिकल्पना की जा रही थी कि बीजेपी अगर संसद के भीतर और राज्यों के साथ बहुमत के साथ होगी तो अपने उस विचारधारा पे काम करना शुरू कर देगी, जिस विचारधारा का जिक्र एक वक्त में सावरकर ने किया, दूसरे वक्त में हेडगेवार ने किया, और आरएसएस के लिए यह कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर उसकी जरूरत बन गई। हम कह सकते हैं उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब यहां से दो परिस्थिति और निकली है। एक परिस्थिति तो यह है, इससे पहले आरएसएस जो कहती थी और जो सोचती थी, बीजेपी उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तौलते हुए अपने हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट करती थी, जो हमें जनता पार्टी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और 2014 से 2019 के बीच में भी गाहे बगाहे मोदी सरकार के दौर में नजर आ रहा था। लेकिन अब जब 370 और खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर को लेकर 2002 में जो आरएसएस ने बकायदा प्रस्ताव पास किया था, या फिर 1951 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनने के साथ जो चार प्रस्ताव पास किए थे, उन चार प्रस्ताव में भी जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण के साथ शामिल होना, यानी धारा 370 को ख़त्म करना और कोई विशेषाधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं देना, इन बातों को अब अगर बीजेपी सत्ता ने लागू किया है तो यहाँ से दूसरा सवाल खड़ा होता है। अब आरएसएस की मौजूदगी किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर नहीं रहेगी, अब आरएसएस का बीजेपीकरण होगा, या एक लिहाज से वो बीजेपी हो चुकी है। यानी ये कोई अब मौजूदा सत्ता के सामने संकट नहीं है कि आरएसएस कल कैसा सोचेगी और सोचेगी उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर कुछ सवाल खड़ा करेगी कि हम तो स्वदेशी का बात करते थे, आप एफडीआई की दिशा में बढ़ गए, या हम जिन बातों का जिक्र करते थे तो उससे हटकर आप अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए अगर बढ़ रहे हैं। अब ये सारे सवाल गौण हैं। यहां से सवाल दूसरा निकल रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी कोई ताकत संसद के भीतर या बाहर अगर देश में मौजूद नहीं है, जो कि नजर आ गया पार्लियामेंट में जब इस पे समर्थन में राजनीतिक दल खड़े हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जो तमाम समस्याओं के साथ लड़ती रही, खुद एक राज्य बनाने की दिशा के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वह भी धारा 370 खत्म किए जाने के साथ जब खड़ी हो गई, और इसके अलावे अलग अलग राजनीतिक दल, उसमें मायावती भी है, वह भी साथ खड़ी हो गई, या फिर जो विरोध कर रहे थे उनमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि विरोध करते हुए वो कौन से विरोध के तरीके अपनाएं जिसके जरिए देश के भीतर और बाहर हर जगह ये मैसेज जाए कि हाँ, देश के भीतर, संसद के भीतर जिस डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है, क्या उस दल को जो विरोध कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को नहीं भोग रहे हैं? यानी राजनीतिक शून्यता संसद के भीतर और संसद के बाहर है। कोई दबाव आरएसएस का अब राजनीतिक सत्ता पर नहीं है। हम यहां पर कह सकते हैं ये एक अल्टीमेट पावर की स्थिति है, जिस पावर को लेकर सरकार अब कोई भी निर्णय ले सकती है। लोकतांत्रिक परिस्थिति में, भारत की लोकतांत्रिक परिस्थिति में यह संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप राजशाही अंदाज में चले जाइए या आप तानाशाही के अंदाज में चले जाइए तो ये चीज़ें हो सकती है, इनकार नहीं है, लेकिन भारत में ना तो राजशाही है ना ही तानाशाही है। भारत की स्थिति लोकतांत्रिक परिस्थितियों को नए तरीके से परिभाषित करते हुए अब संसद के भीतर इस बात का अंदेशा दे रही है कि लोकतंत्र का मंदिर यही है और यहां पर जो निर्णय लिए जाएंगे वह लोकतांत्रिक हैं, और संसद के बाहर राजनीतिक दलों की हैसियत शून्य से ज्यादा है नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए तो कांग्रेस ने जिसको व्हिप जारी करने का अधिकार दिया वह भी पार्टी छोड़ देता है ये कहकर कि हमें ये राष्ट्रहित में लग रहा है, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। कांग्रेस के भीतर से इस विवेचना को कीजिएगा तो गुलाम नबी आज़ाद, या फिर दूसरा नाम आप लीजिएगा तो चिदंबरम साहब बहुत ज़बरदस्त बोले, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं के भीतर एक लकीर थी। सवाल ये नहीं है कि वो कांग्रेस के भीतर का सवाल था, मायावती के भीतर का सवाल था, आम आदमी पार्टी के भीतर का सवाल था, और सिर्फ उस अक्स में देखा जा रहा है जिस अक्स में जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला है,
सवाल इस देश के भीतर यही है कि कोई भी फैसला ले, चुनी हुई सत्ता है वो फैसला ले सकती है, लेकिन देश के में अगर एक वातावरण ऐसा है कि लोकतंत्र का मंदिर भी अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो बड़ी धीमी आवाज है, बड़ी महीन आवाज है, और संविधान में संशोधन के बगैर और संविधान में धारा 370 को काउंटर करने के लिए कोई दूसरी धारा लाए बगैर अगर चीजें संशोधित की जा रही है, तो ये मैसेजेस बहुत साफ हैं कि एक राजनीतिक शून्यता, एक सामाजिक शून्यता के बीच से ये देश गुजर रहा है, और वहां पर राजनीतिक सत्ता सबसे ताकतवर होकर आपके और हमारे सामने आकर खड़ी है। यह निर्णय साहसिक है, यह निर्णय ऐतिहासिक है, हमें बधाई देनी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि जिस दिशा में बीते 70 बरस से कश्मीर परिस्थितियों के साथ जूझ रहा था, उसमें कोई निर्णय दिल्ली की सरकार नहीं लेती थी, निर्णय लिया गया, बधाई देनी चाहिए। लेकिन यह ठीक बधाई वैसी ही बधाई है जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने यह कहते हुए बायकॉट किया कि हम साथ नहीं खड़े हैं, हम लेकिन विरोध आपके विरोध भी नहीं करेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, या फिर जिन राजनीतिक दलों ने संसद के भीतर ये कहकर विरोध किया कि हम विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारे विरोध का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि बहुमत आपके साथ है, तरीके क्या होंगे? और यहीं से वो बात निकलती है कि तरीके क्या होंगे, और ये तरीके पहली बार हमें लगता है एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ जनता है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सामाजिक तौर पर संगठनों की जरूरत नहीं, जनता सामने है, अब उसे तय करना है कि वह किन परिस्थितियों में लोकतंत्र को जीना चाहती है। अगर लोकतंत्र की नई परिभाषा उसे मान्य है, जो संभव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की नई परिभाषा उस अंतर्विरोध को जनता के सामने लेकर आपके खड़े हो जा रही है जिसमें कह रही है कि आप इसे ही डेमोक्रेसी समझें, और एक वैक्यूम है इस देश के भीतर, तो फिर अब कॉरपोरेट को भी सोचना है। यानी जिस कॉरपोरेट के आश्रय इस देश में बहस होती थी कि कॉरपोरेट देश की इकोनॉमी को ना सिर्फ संभालती है बल्कि उसके जरिए उससे पूंजी जो मिलती है उस पूंजी के जरिए इस देश की सियासत चलती है, राजनीति चलती है, ध्यान दीजिए तो पिछले 5-6 बरस में जितने भी चुनाव हुए हर डेफिनेशन बदल चुकी है। इसका मतलब एक ये है, पारंपरिक तरीके से संसद को देखना बंद करना होगा, पारंपरिक तरीके से संसद के भीतर बैठे जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं और खुद को जनता का वो प्रतिनिधित्व बना रहे हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं कर रहे हैं बल्कि उस लोकतंत्र की नई परिभाषा को परिभाषित करते हुए खुद को उसमें ना ढलने की बात कहते हुए भी ढल रहे हैं और देश को ढाल रहे हैं। वैकल्पिक स्थिति क्या है, अल्टरनेटिव सोच क्या है, ये कहां से निकलेगी, किस रूप में निकलेगी? क्योंकि एक संकट, आर्थिक संकट आया, उसके ऊपर एक बड़ा चादर या कहें कालीन बिछाई गई राष्ट्रवाद की, डेमोक्रेसी की मिमिक्री की। तीसरा वक्त में कोई तीसरी परिस्थिति आ सकती है और इस संकट से समाधान के लिए कोई तीसरी परिस्थिति भी बन सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना आसान नहीं है। जब अब जम्मू कश्मीर की सीमा कोई नहीं है, अब सीधे सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर भारत की मौजूदगी है, तो अब कन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर ये कैसे बनेगा, किस रूप में बनेगा वहाँ के लोगों के भीतर, क्योंकि अब जो लोग पहुँचेंगे वहाँ पर वो सिर्फ भौगोलिक तौर पर या ये कहें कि जनसंख्या के तौर पर हिंदू मुस्लिम की स्थिति नहीं आएगी बल्कि आर्थिक विषमता भी आएगी। जो जम्मू कश्मीर के भीतर की मुफलिसी है, जो वहाँ पर बड़ी तादाद में बीपीएल परिवारों की संख्या है, वहाँ पर जो गरीबी है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वो एक नए तरीके से होगा। और नेहरू ने इस बात का जिक्र जब पार्लियामेंट में किया था कि वहाँ पर एक अच्छी बात है, डोगरा साम्राज्य के वक्त से चीज़ें चली आ रही है कि वहाँ पर अगर लोग ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे देंगे तो सारे पैसे वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जिनके पास उस वातावरण के अनुकूल इकोनॉमी नहीं है वो धीरे धीरे आर्थिक विषमता के शिकार होंगे और वह फिर उनके मरने वाले हालात पर उन्हें छोड़ देना होगा। तो क्या हम एक ऐसी परिस्थिति में भी जम्मू कश्मीर को देखेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो उम्मीद बांधे हैं, भरोसे के साथ हैं, जिस बात का निर्णय सरकार ने लिया है उसमें अब एक आइडियल स्थिति जम्मू कश्मीर के भीतर भी बनेगी और जम्मू कश्मीर के बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर भी बनेगी। जो इस देश के नागरिक होंगे, वो हेल्थ सेक्टर होगा, वो एजुकेशन सेक्टर होगा, वो रियल इस्टेट का सेक्टर होगा, वो नागरिक के तौर पर संविधान से मिलने वाले अधिकारों का जिक्र होगा। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में है, लेकिन अब
ये सवाल देश के सामने है और हमें लगता है हम कब तक वहाँ के लोगों से संवाद कायम कर पाएंगे, क्योंकि संवाद कायम करने का मतलब ये है कि ये भी अपने तरीके की पहली स्थिति है कि जिन लोगों के लिए सरकार ने सोचा और सरकार ने उनकी भलाई के लिए सोचते हुए संसद के दोनों सदनों में जिक्र किया, वही लोग उस संवाद को सुन नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं तो अपनी चार दीवारी के भीतर कैद होकर दे पा रहे हैं। ये एक स्थिति है। बारह, दिल्ली में भी बरसात रुकी है और हमारा आपका संवाद चलता रहेगा, लेकिन हमें लगता है डेमोक्रेसी का पहला और आखिरी नियम यही है, सवाल होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।